सो गाइस, सुबह की बज गई है 10 और हमारे कीर्तन वाले लोग आने वाले हैं। तो कीर्तन में मैंने सिंपल से सूट अभी डाली है, उसके बाद अभी थोड़ा धूप भी नहीं आई तो मैंने कहा जब धूप आएगी तब थोड़ा लहंगा पहनूंगी अपना, तो तब अच्छे से थोड़ा शायद पार्लर में जाऊंगी तैयार होने के लिए। और अभी हमारा बर्थडे बॉय उठ गया, बर्थडे बॉय उठ गया हमारा, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय उठी उठी, तो इसको रेडी कर लेती हूँ मैं, है ना, तब मिलती हूँ आप। बर्थडे बॉय जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, जय जय कर दो, ऐसे करके देख रहा है। चलो तैयार होते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। तो अभी मैं आपको कल रात को दिखा नहीं पाया था कि हमारी कितनी डेकोरेशन हुई है, क्योंकि उस टाइम पे टेंट लग रहा था एक्चुअल में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी थोड़ी बहुत डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। हेलो 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 गाइस, ये भांजी है हमारी। तो हमने यहाँ पे बैलून लगवाया है एक बाहर पे, यहाँ पे अभी और बैलून्स आएंगे, ठंड के कारण हवा निकल जा रही है बैलून्स की। फिर ये सारे हमने बैलून्स लगवाए हैं यहाँ पे, और आगे चौक पे भी और रहे हैं, या ठंड के कारण इनकी हवा जा रही है बैलूनों की। बाकी बाहर से दिखा, बाकी जो हमने किया है खाने के लिए वो इधर बर्थडे का, जहाँ पे केक व्यूक कटेगा, जो भी हमने थोड़ा बहुत किया है ऐसा छोटा मोटा स्नैक्स के लिए खाने के लिए, वो यहाँ पे है। अंदर से कुछ ऐसा है एंट्रेंस, यहाँ पे खाने का सेटअप है, जो भी स्नैक्स स्नैक्स बनेगा। एंट्रेंस हमारी यहाँ से होगी, यहाँ पे कारपेट बिछाएंगे हम, और ये हमारा टेंट लगा है इधर पे। बैठने के लिए चेयर है, सब पे अभी कवर लगेगा, खाने के लिए उधर, और ये है हमारा जहाँ पे केक कटेगा ऊपर स्टेज। तो यहाँ पे बैलून अभी पूरा इसको कवर करेंगे बैलूनों से, तो मैं आपको जब पूरा सज जाएगा उस टाइम पे दिखाऊंगा तो और प्यारा लगेगा। सो गाइस, मैं पहुँच गई थी पार्लर में, और पार्लर वाली दीदी अब मेरा मेकअप करेंगी। मैंने हल्का फुल्का मेकअप ही बोला है, तो यहाँ पे हो गया था मेरा आई मेकअप, और आई मेकअप होने के बाद हो गया था मेरा थोड़ा फुल मेकअप होने के बाद हो गई थी मैं पूरी रेडी। और मुझे घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने चुन्नी जल्दीबाजी लगाई और आ गई घर पर। घर पे देखा तो कीर्तन शुरू हो रखे थे, और मैंने ओम की ऊपर की जैकेट निकाली जो कि मैंने ऊपर से पहना रखी थी, और फिर मैंने और ओम ने और ओम के पापा ने मैचिंग वाली ड्रेस कर ली। Oh,
तो ज्यादा नहीं, ज्यादा थोड़ा से इनकी तरफ मुंह करो, हाथ दोनों ऐसे रख लो ना, आप ना भैया के हाथ के साथ हाथ रख लो। दादाजी आए, दादी के पाए बाजी रंग लेल में बस हैप्पी बर्थडे बॉय। कौन सा है आपका? तो जैसे कि गाइस आपने देखा कि मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं अब आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे बैठ चुके हैं और प्रोग्राम थोड़ा अंदर में होने वाला है। ये फ्रंट गेट है। मैं बहुत टाइम बाद आपको ब्लॉग में दिखी होंगी क्योंकि मैं तो बहुत बिजी हूँ ना इधर उधर बस। अरे ठीक है खाते आना। अरे बस गाइस पकौड़ी खा लेते मेरे को भेज। भैया जी कहाँ जा रहे हैं? आधा घंटा मैंने लगा रखी। सो गाइस ये है कुछ नज़ारा, तो लेके चलते हैं आपको अंदर। यहाँ पे हमने एक फोटो लगाई है इसकी उनकी।
संगीतमय महफिल में तेरा गली मोहल्ला सारा लोटा लाने जा देंगे कल्लू खेड़ी वाला तेरा हैप्पी आड़ा बर्थडे पार्टी खास बना देंगे आज तेरा हैप्पी आड़ा नाच के आज गद्दी माहौल जमा देंगे सिस्टम पार्ट देंगे तेरा हैप्पी आड़ा बर्थडे पार्टी खास बना देंगे आज तेरा हैप्पी Thank you.
खाना चल रहा है, खाना खाएंगे। पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जरा धन बताओ धन। ये देखिए फाइनेंस है, इसमें चलते हैं। ये देखिए सो गाइस लिफाफे, ये देखिए चल रहे हैं, ये स्टिल गोइंग भर के दक्षिणा हुई है। यहां पर दक्षिणा को भर भर के इकट्ठे इकट्ठे सामान नहीं पा रही है। इकट्ठे इकट्ठे अभी इकट्ठे भी आप लोगों को बताए जाएंगे। पांच इकट्ठे हो रखे कितना खुश हो रहा है। ताली बजा दे, ताली बजा।